हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों गूगल एडसेंस के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके अकाउंट में $10 पूरे हो चुके हैं देन आप बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं गूगल एडसेंस के साथ। जी हाँ, जब तक आपके अकाउंट में $10 पूरे नहीं होंगे ये ऑप्शन एलिजिबल नहीं होंगे आप गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए। अगर आपके पास $10 पूरे हो चुके देन आपके पास ये आईडी वेरिफिकेशन होगा देन आपको आईडी अपलोड करना पड़ेगा। आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद आपके एड्रेस पे पिन वेरीफाई के लिए पिन सेंड किया जाएगा। इसके दौरान ही बैंक अकाउंट के अगर आपके अकाउंट में $10 हो जाएंगे इतने होने के दौरान तो वहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि ऐड पेमेंट मेथड। इट मीन्स आपको वहाँ पे क्लिक करके आपके जो भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स होंगे व्हाटएवर किसी भी बैंक अकाउंट में हो उस बैंक अकाउंट के सारा डिटेल को वहाँ फुलफिल करना होगा देन बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा गूगल एडसेंस के साथ। एवरी 21 डेट को आपके पास गूगल एडसेंस के द्वारा पेमेंट मिल जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, तो सारा प्रोसेस को देखते हैं हम लोग एक्चुअली कैसे ऐड कर सकते हैं बैंक अकाउंट को गूगल एडसेंस के साथ। तो खैर चलने से पहले दोस्तों बता दो, अभी तक आपने देसी में सीखो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए मैं अपने गूगल एडसेंस में चले आता हूँ। ठीक है, ये मेरा गूगल एडसेंस है। जैसा आपको पता सारा कुछ मैंने आपके सामने किया, आपके सामने अप्रूवल लिया, हर एक चीज़ मैंने आपके सामने की हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सबसे ऊपर एक नोटिस आ रहा है कि योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाई योर एड्रेस। जी हाँ, मुझे पिन सेंड कर दिया गया है बट मेरे पास अभी पिन नहीं आई है। जैसे ही वो मेरे पास पिन आती है जैसे मैं एक्शन पे क्लिक करके वो कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मेरा जो गूगल एडसेंस है 100% वेरीफाई हो जाएगा पेमेंट के लिए। एक्चुअली ये वेरीफाई है एडवर्टाइजमेंट के लिए बट पेमेंट अभी मेरा होल्ड में है क्योंकि एड्रेस वेरीफिकेशन नहीं हुई। तो एड्रेस वेरीफिकेशन होना जरूरी नहीं है बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए। बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, वो अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा जब भी आपका यहाँ पे $10 से ऊपर हो जाएंगे। तो चलिए वो ऐड कैसे करेंगे बैंक अकाउंट को, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि आपको जो थ्रेशोल्ड है वो $66 हो चुके हैं। हाउ यू गेट पेड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे पहले जब आप $10 से पहले आकर के यहाँ जरूर एक बार चेक करें आप ये एलिजिबल होगा। यहाँ पे आप क्लिक करने नहीं कर पाएंगे बट अभी क्या है मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए क्लिक करते हैं सिंपली इस पर। देन यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को फिल करना होगा मुझे बैंक अकाउंट के डिटेल को पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है बेनिफिशियरी आईडी, ये ऑप्शनल है इसे छोड़ दें, यहाँ पे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। देन सेकंड में आता है नेम ऑन बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका नाम है प्रॉपर स्पेलिंग एकदम करेक्ट डाले, जो भी आपका बैंक अकाउंट में नाम है सेम नाम यहाँ पे डाले। देन बैंक का नाम डाले, SBI है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, जो भी बैंक का नाम है या बैंक का नाम डाले। देन IFSC कोड जिसे ब्रांच कोड कहते हैं, ब्रांच कोड यहाँ पे डाले। ठीक है, देन आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्विफ्ट BIC कोड, ये आपको कहाँ से मिलेगी ये आपको ब्रांच में भी जाकर ले सकते हैं। अदरवाइज आप जब गूगल पे सिंपली सर्च करें आप जाकर के यहाँ पे देखे SBI स्विफ्ट कोड में अपना एड्रेस डाल दे जो भी स्टेट का है। ठीक है, ये सर्च करते ही फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे आप तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी या फिर डायरेक्टली ये वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं IFSCSwiftCodes.com। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इंडिया तो आपको रखना ही है, बैंक सेलेक्ट कर ले जो भी आपका बैंक है। देन यहाँ पे झारखंड स्टेट को सेलेक्ट कर ले, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर ले, देन यहाँ पे ब्रांच को सेलेक्ट कर ले। ब्रांच को सेलेक्ट कर दे सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा कि आपका IFSC कोड ये है, ब्रांच नाम ये है, ये पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगी। तो IFSC कोड आपको ऑब्वियसली गूगल से मिल जाएगी। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं मिल रही परेशान है तो ब्रांच में भी जाकर के पूछ सकते हैं अपने ब्रांच में जाकर कि मेरा IFSC कोड इस ब्रांच का क्या है। तो यहाँ पे IFSC कोड डाल देंगे और स्विफ्ट कोड भी वहीं से मिल जाएगी आपको, दोनों चीज़ यहाँ पे फिल कर, दोनों चीज़ बैंक से मिल जाएंगी आपको। देन यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डालना है, अगेन अकाउंट नंबर को यहाँ पे भी टाइप करना है, बस इतना ही फिल करना है। बस 1 2 3 4 5 6 चीज़ें फिल करनी है आपको, 6 चीज़ें में ये अकाउंट नंबर 2 बार है, बस मात्र 5 चीज़ आपको फिल करनी है देन सिंपली यहाँ पे आपको सेव कर देनी है। तो चलिए मैं ऐसे फिल कर लेता हूँ देन वीडियो को पॉज करके देन अगेन प्ले करता हूँ। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो आप मैंने यहाँ पे अपना जो भी मेरा बैंक का डिटेल है वो मैंने यहाँ पे फुलफिल कर लिया। बस आपको ये सब फुलफिल करने के बाद यहाँ पे सेट प्राइमरी पेमेंट मेथड, इसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका अभी तो आपके पास एक ही बैंक अकाउंट होगा, अगर आप आगे चल के 4-5 बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे तो प्राइमरी फर्स्ट मतलब जो पेमेंट आएगी वो किससे रखना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मेरे पास फिलहाल अभी एक ही है तो मैं इसे चेक रहने देता हूँ कि यही मेरा प्राइमरी अकाउंट है, पहला अकाउंट मेरा यही है। ठीक है, देन सिंपली आपको यहाँ पे करना है आपको सेव।
जस्ट वो डाटा को फिल करना है, देन वो सेलेक्ट करके सेव कर देना। देखिए ये चीज़, मेरा बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे गूगल एडसेंस के साथ लिंक हो चुका है। यहाँ पे मैनेज पेमेंट पे जाएं, देन यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बैंक अकाउंट ऐड हो गया। और भी ऐड करना चाहते हो जितना मन चाहे उतना बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं कि गूगल एडसेंस आपके नाम से है तो आप अपना ही अकाउंट ऐड करना है, अपने फादर का, भाई का, सिस्टर का, किसी का भी बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है सर, अगर दूसरा आपने ऐड कर लिया तो ये पहला हो गया, ये दूसरा जब ऐड कीजिएगा तो सेकंड हो जाएगा। देखिए इस पर प्राइमरी लिखा हुआ, यानी कि पेमेंट इसमें आएगी। देन इसे एडिट करके इसे आप चेंज कर सकते हैं, जब दूसरा ऐड करेंगे तो उसे भी प्राइमरी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आगे जाके समझ में आ जाएंगे कि प्राइमरी किस में रखना, पेमेंट आपको किस में लेनी है, क्योंकि आगे चल के आप 4, 5, 6, 7, 8 बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। डजंट मैटर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इजी वे है कि आप अपने गूगल एडसेंस में बैंक को कैसे लिंक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आप भी आसानी से ऐड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को गूगल एडसेंस के साथ। वीडियो अगर पसंद आएगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लेकर कोई डाउट्स प्रॉब्लम होगी तो बेजला कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।